प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि जब देश कोरोना के खिलाफ युद्ध में एकजुटता का इजहार कर रहा है, आशा है कि केंद्र सरकार द्वारा पावर ग्रिड्स एवं इंजीनियरों की चिंताओं का भी ध्यान रखा जा रहा है, ताकि संकट काल में और जरूरत के समय बिजली आपूर्ति में कोई बाधा न हो। थरूर ने यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लोड डिस्पैच सेंटर की चिट्ठी को ट्वीट करते हुए लिखा, रविवार को 9 बजे रात में बिजली की मांग अप्रत्याशित रूप से कम हो जाएगी और फिर 9:09 पर अचानक बढ़ जाएगी। इस कारण इलेक्ट्रिकल ग्रिड क्रैश कर सकते हैं। कांग्रेस सांसद ने लिखा, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रात 8 बजे से ही बिजली काटने और फिर 9:09 पर वापस देने की सोच रहे हैं। हमने इस दावे की पड़ताल शुरू की तो हमें सबसे पहले न्यूज एजेंसी ANI का एक ट्वीट मिला। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पावर के हवाले से कहा गया है कि PM ने 5 अप्रैल को रात 9:09 तक स्वेच्छा से लाइट बंद करने की अपील की है। कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई हैं कि इससे ग्रिड और वोल्टेज में उतार चढ़ाव हो सकता है, जो बिजली के उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी आशंकाएं गलत हैं। और मुंबई से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, पूरी मुंबई की बिजली गुल हो गई है। बताया जा रहा है कि टाटा कंपनी को जिस ग्रिड से बिजली सप्लाई होती थी वो ग्रिड फेल हो जाने की वजह से बिजली कट गई है। पवई, मरोल, गोरेगांव, वर्सोवा और कांदीवली में बिजली नहीं आ रही है। नवी मुंबई और ठाणे के कई इलाकों में भी बिजली सप्लाई में दिक्कत आ रही है। मुंबई वासियों के लिए तो लोकल ट्रेन लाइफलाइन है। यहां मैं मुंबई के सबअर्बन इलाके नाहूर में इस वक्त मौजूद हूं। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं कह सकता हूं, करीब 10 से 15 साल में तो मैंने मुंबई या उसके सबअर्बन इलाकों में ऐसे पहले भी कभी हालत नहीं देखी है, लेकिन आज मैं यहां पर सबअर्बन इलाके में आया हूं तो लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं। सीधे सबसे पहले मैं वही बता देता हूं, ट्रैक इसलिए क्रॉस कर रहा हूं फिलहाल इस वक्त सेफ है क्योंकि कोई भी लोकल ट्रेन यहां पर नहीं चल रही है। आपसे जानना चाहता हूं कितने समय से आप यहां पर फंसे हैं? कितना वक्त हो गया? 10:08 से। कितने बजे गई थी यहां पर बिजली जिससे अचानक रुक गई है ट्रेन? हमें पहले मालूम नहीं कब है, लेकिन 10 बजे से बंद है।